हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं ग्रुप थियोरी के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो यूपी के जीएसई लेक्चरर एग्जाम में आई हुई थी। तो ये 2017 के क्वेश्चन है, तो टोटल चार क्वेश्चन आए हुए थे ग्रुप थियोरी से, तो उन चारों क्वेश्चन को आज मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60, इसका क्या वैल्यू होता है। ऑप्शन में है 16, 15, 12 और 11। देखिए, हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया नंबर ऑफ जनरेटर्स किसी भी साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है 60 है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, फाइव एन, मतलब कि यहाँ पे फाइव 60 हो गया और फाइव 60 का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2^2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 5 2^2 × 5 3 × 5 5। हम लोग अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि ये को प्राइम है। इसका वैल्यू हो गया 5 4 का वैल्यू क्या होता है 2, 5 3 का वैल्यू 2 और 5 5 का वैल्यू 5 4, ये हो गया 16। तो हमारा आंसर क्या हो गया 16। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड कर सकते हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ पे कहा गया है इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एच 7 ऑर्डर ऑफ के 13। तब हमें पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के ये क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 1 6 7 और 13। देखिए, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ एच क्या है 7, तो एच के जितने भी एलिमेंट होंगे उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, इसी का डिवाइजर होगा 7 का। तो 7 का डिवाइजर क्या क्या होता है, 1 होता है और क्या होता है 7 खुद होता है। उसी तरह से K का जो सब ग्रुप है K, उसका जितना भी एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 13 का डिवाइजर हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो सब ग्रुप या ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो 13 का डिवाइजर क्या क्या होता है, 1 होता है और 13 होता है, दोनों ही प्राइम नंबर है। देखिए, हमें पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, तो सबसे पहले हम लोग एच इंटरसेक्शन के इसको निकालते हैं। एच में जितने भी एलिमेंट होंगे उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं और 7 हो सकते हैं। सिमिलरली के के क्या हो सकते हैं, एलिमेंट का ऑर्डर 1 और 13। तो जो इंटरसेक्शन में होगा वो क्या होगा, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 ही होगा केवल, क्योंकि यहाँ पे 7 है यहाँ पे 13 है। तो सीध जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब कि एच इंटरसेक्शन के क्या हो गया, आइडेंटिटी सब ग्रुप। और इसी का हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या हो गया 1। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए 1। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। टोटल 4 क्वेश्चन आए हुए थे, तो देखिए ये क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कहा गया इफ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए ऑफ ऑर्डर 24, मतलब कि हमें साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है जिसका जनरेटर ए है और उसका ऑर्डर क्या है 24 है। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि ए का पावर 2002 ये इक्वल है ए का पावर एन का, और एन क्या है 0 से 24 के बीच का नंबर है। तब हमें इसी एन का वैल्यू निकालना है। ओके, ऑप्शन में दिया हुआ है 16 10 8 और 6। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, जेड जी कोई एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका जनरेटर क्या है ए और इसका ऑर्डर क्या है 24, मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए क्या दिया है 24, और ए हम लोग क्या जानते हैं कि ये जनरेटर है ग्रुप जी का। तो यहाँ से ये अब इम्प्लाई हम लोग कर सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ जी होगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल, मतलब कि 24 आ गया, क्योंकि ए क्या है यहाँ पे जनरेटर है। तो ये क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ जी 24, और ये साइक्लिक ग्रुप है तो ये आइसोमर भी हो गया जेड 24 के, समझे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है, और हमें क्या दिया है ए रेस्ट टू पावर 2002 ये इक्वल दिया हमें ए रेस्ट टू पावर एन का। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए ए रेस्ट टू पावर 2002 ये इक्वल है ए रेस्ट टू पावर एन के, तब हमें एन का वैल्यू निकालना है। देखिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं 2002 को, देखिए यहाँ पे क्या है ऑर्डर ऑफ ए क्या दिया है 24, तो 24 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि ए रेस्ट टू पावर 24 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है 24, सो इसीलिए हम लोग
यहाँ 24 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे 2002 का, तो क्या आ जाएगा 24 इंटू 83 आ जाएगा, डिवाइड करके आप लोग देख लीजिएगा और रिमाइंडर में आएगा 10। ये इक्वल हो गया 10 के ए एन के, देखिए 24 इंटू 83, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटू ए रेस्ट टू पावर 10, एक हम लोग अलग अलग कर लिए। अब देखिए ए रेस्ट टू पावर 94 ये आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी के पावर कोई कुछ भी करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट आगे ना जाएगा, और यहाँ पे ए रेस्ट टू पावर 10 ये इक्वल है ए रेस्ट टू पावर एन के। तो यहाँ से हम लोग क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि एन का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया, इसलिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी में क्या है 10, तो इस तरह से हमारा बी करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन को, तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझे होंगे। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए हमें एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3, और हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया कि हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, मतलब ऑर्डर पेयर 1 2 और ऑर्डर पेयर 2 1, तो यही हमें फाइंड करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 3 4। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। तो उसमें हम लोग जानते हैं कि जो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, मान लीजिए एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कोई सेट में, तो इसके करस्पॉन्ड्स में हमें एक पार्टीशन मिलती है, मतलब कि पार्टीशन ऑफ ए सेट मिलती है। और अगर हम लोग किसी भी पार्टीशन लेते हैं, एक पार्टीशन लेते हैं किसी सेट का, तो उसके करस्पॉन्ड हमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी मिलता है। तो यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कि ईच इक्विवेलेंस रिलेशन कॉरेस्पॉन्ड्स ए पार्टीशन एंड वाइस वर्सा, मतलब कि इधर से भी ट्रू है, एक पार्टीशन दीजिए तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन दीजिए किसी भी सेट के लिए तो क्या मिलेगा हमें, एक पार्टीशन मिलेगा सेट के लिए। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ही फाइंड करना है कंटेनिंग 1 2 और 2 1, मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टीशन फाइंड करना है इस सेट के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सेट के लिए। इसको पहले भूल जाइए कि यहाँ पे कंटेनिंग 1 2 2 1, इसको पहले भूल जाइए। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन किसी भी सेट के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ पार्टीशन फाइंड करेंगे सेट के लिए। तो नंबर ऑफ पार्टीशन के लिए फॉर्मूला को देख लीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहले कार्डिनलिटी के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशन। तो नंबर ऑफ पार्टीशन ही हो गया क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, दोनों इक्वल होते हैं पार्टीशन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मान लीजिए 0 को सेट, मतलब क्या फाइव सेट है, एम्प्टी सेट, इसका सिंगलटन सेट, फिर सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट, मतलब कार्डिनलिटी 2 3। तो सबसे पहले इसी के लिए हम देख लेते हैं कि 0 1 2 3, इसके लिए नंबर ऑफ पार्टीशन क्या होगा, मतलब कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा किसी भी सेट के लिए जिसका कार्डिनलिटी क्या है 0 1 2 और 3। इस क्वेश्चन में क्या है कार्डिनलिटी 3 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला को देखते हैं कि हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं। देखिए सबसे पहले 0 के सामने 1 लिखिए और 1 के सामने भी 1 लिखिए, उसके बाद देखिए 1 1 है ना, तो 1 प्लस 1 कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और यहाँ पे लिखिए, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब देखिए जो यहाँ पे इस रो में लास्ट एलिमेंट है ना, उसी को उठा के यहाँ पे रखिए 2 के सामने, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे था, यहाँ पे 2 ला दिए। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को जोड़िए, 1 प्लस 2 3 हो गया, तो यहाँ पे लिखिए एल से मिलाना है 1 प्लस 2 3। सिमिलरली आप देखिए 2 प्लस 3 क्या हो गया 5, तो 5 को यहाँ लिखना है, एल से मिलाना है। अब देखिए 5 है ना यहाँ पे, इस रो में लास्ट एलिमेंट क्या है 5, उसी एलिमेंट को यहाँ पे लिखना है 5। अब देखिए फिर से एल से बनाइए, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 7 10, 5 प्लस 10 15। तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहना, फिर यहाँ पे 4 आएगा 5 आएगा। तो यहाँ तक आप लोग पहले समझ लीजिए कि देखिए अब 0 का नंबर ऑफ पार्टीशन क्या है 1 है, 1 का नंबर ऑफ पार्टीशन 1 है, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट लेना है, 2 का क्या है 2 है, 3 का क्या है 5 है, उसी तरह से यहाँ 15 आता है, तो 4 के लिए क्या होता 15 हो जाता, मतलब कि किसी भी सेट का आगे कार्डिनलिटी 4 है और हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा उस सेट के लिए जिसका कार्डिनलिटी 4 है, तो आंसर क्या होता 15 होता, और 3 के लिए 5 होता, 2
टू के लिए टू होता, वन के लिए वन और जीरो के लिए वन। तो यहाँ पे देखिए कार्डिनलिटी क्या है इस सेट के लिए, ए के लिए, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इसमें, थ्री है, तो थ्री के लिए क्या हो गया फाइव, मतलब कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो गया फाइव हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ये तो पूछा नहीं गया, हमें क्या पूछा गया है कंटेनिंग वन टू और टू वन। लेकिन हम लोग जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा इस सेट के लिए, मतलब कार्डिनलिटी थ्री के लिए फाइव होगा। तो वो फाइव क्या क्या होंगे उसके लिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए रिलेशन को। तो चलिए देखते हैं कि इस सेट के लिए मतलब कि वन टू थ्री के लिए क्या क्या हो सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का होना जरूरी है, वन वन टू टू थ्री थ्री ये तो बिलोंग होना ही चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन में, तो सबसे पहला ये हो गया। उसके बाद देखिए ये तीनों एलिमेंट तो होंगे ही, उसके बाद वन टू ले लीजिए और रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए टू वन भी होना चाहिए और साथ ही साथ ये ट्रांजिटिव भी होगा। सिमिलरली जो थर्ड होगा वो क्या हो जाएगा वन टू की जगह में लीजिए वन थ्री और थ्री वन, ये हो गया हमारा थर्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे ले लीजिए टू थ्री और थ्री टू, ये हो गया हमारा फोर्थ। और जो फिफ्थ में होगा वो क्या होगा पावर सेट ऑफ ए, तो यही हमारा फाइव इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया इस सेट वन वन टू थ्री के लिए। अब देखिए हमें क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग वन टू एंड टू वन, तो देखिए हम लोग गिनते हैं कि किसमें वन टू और टू वन है, तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें है वन टू और टू वन, इसमें भी नहीं है वन टू और टू वन, इसमें भी नहीं है और पावर सेट में तो होगा ही, तो कितना आ गया तो कितना हो गया वन टू टू हो गया, मतलब कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग वन टू एंड टू वन क्या हो गया टू, तो हमारा बी ऑप्शन ट्रू हो गया। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग किसी भी एलिमेंट के लिए। आपको सबसे पहले ये याद रहना जरूरी है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और बाकी अगर कंटेनिंग भी पूछा जाए तो आप लोग इस तरह से उसको देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।